नंदी भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी सहायता कर सके। जो आज्ञा प्रभु। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ अपना सैटरडे का व्लॉग। तो सैटरडे को मैं गई थी OMG 2 देखने। हाँ, मैं काफ़ी लेट देख के आई हूँ। आपको ये मूवी देखनी चाहिए। इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उसका कॉन्टेंट बिल्कुल अलग था। मूवी का नाम एक ही है और अक्षय कुमार एक ही है, इसके अलावा मूवी का हर चीज़ चेंज हो चुका है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसको फर्स्ट पार्ट से तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटेड होगा, बट ये मूवी भी ठीक ठाक है। आप देखिए, आप इंजॉय करेंगे, साथ में शिव के दर्शन भी होंगे, ये भी एक अच्छी बात है। और इसमें जो कॉन्टेंट लिया गया है वो काफ़ी अलग है, बॉलीवुड में इस तरह की मूवी बननी चाहिए। भाई ये मूवी देखने अपने कैंपस के पास एक हमारा नरेंद्र ऑडिटोरियम करके है, जहाँ पे प्रोग्राम भी होता है और मूवीज़ भी लगती है, तो वहीं पे आए हुए हैं। और ये मूवी 6:30 के आसपास स्टार्ट होगी और ये सैटरडे संडे दो ही दिन लगती है, पर अच्छी बात है कि हमारे आसपास कैंपस के आसपास लग जाती है तो हमें कहीं बहुत दूर नहीं जाने की ज़रूरत होती है। थ्री पेटीज। तो मूवी स्टार्ट होने वाली है। टाइम हो चुका है मूवी स्टार्ट होने का। पलक कीर्ति कम जय महाकाल दी बोलोगे जयदी बैठी आई कहा शाजापुर जा रहे हो? अरे सवेरे सवेरे तो वहीं की गाड़ी जाती है ना। धन्यवाद महाराज। किस बात का? तुम्हारे मामले में दखल देने का? अरे महाराज, माफी, में अपने छोरे को लेकर थोड़ा परेशान था। तभी इतनी सुबह सुबह नहा रहा हूँ मैं रोज इसी समय नहाता। गांधी भाई, बेटे के लिए परेशान हो या खुद के लिए? अरे महाराज, तुम बाप नहीं होना, पूरे समाज में चारों तरफ हमारी निंदा हो रही, बेइज्जती हो रही। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होते हैं, मरने के बाद तो केवल लोग तारीफ ही करते हैं। वैसे कौन से स्कूल में पढ़ता तुम्हारा बेटा? तुम्हें भी जानने हो कि उसने ये सब कहाँ सीखो? नहीं नहीं, मेरा मानना है कि अगर उसे स्कूल ने अच्छी तरह सिखाया होता तो उसकी आज ये हालत ना होती। वहां क्या भूखा बच्चा नजर आ रहा है तुम्हें या निर्वस्त्र मां? जरूरी नहीं है हर वो चीज जो छुपा के की जाती है वो गलत ही हो। तुम्हारे बेटे ने जो भी किया उसमें उसका कोई दोष नहीं। ये स्कूल जैसी जगह में उसके लिए भी स्कूल ही दोषी है। दोष हर उस आदमी का है जिसने विवेक को सही ज्ञान नहीं दिया। और राम जाने कहीं सही है कहीं गलत है।